दोस्तों मेरा नाम है जमाल खान और ये है महिंद्रा XUV 500 और ये कार काम करने वाले हैं, स्टेयरिंग व्हील सीधा करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एयरबैग खोलना होगा। तो एयरबैग खोलने के लिए सबसे पहले बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको खोलकर बाहर निकालना होता है। तो हमने इसका नेगेटिव टर्मिनल जो है ठंडा वाला नक्का खोलकर बाहर निकाल दिया है। और उसके बाद में दोस्तों इसके दोनों टायर जो हैं आगे वाले वो बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसका अभी अलाइनमेंट का भी काम हुआ था। तो अलाइनमेंट का काम होने के बाद में स्टीयरिंग व्हील जो है ये वाला स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल एक साइड को, लेफ्ट साइड को घुमा हुआ रह रहा है, मुड़ा एक तरफ को झुका हुआ है। तो अलाइनमेंट वाले ने यहाँ पर मार्कर पेन से निशान लगा दिया है कि स्टीयरिंग व्हील आपका इतना घुमा हुआ है, इसको सीधा करा लेना। इसको हमें इस तरह से सीधा करना है जो कि अलाइनमेंट से नहीं हो पाया था। तो अभी जो है स्टीयरिंग व्हील खोलकर हम इसका व्हील सीधा करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर जो राइट साइड में स्क्रू लगा होता है, स्टीयरिंग व्हील को राइट साइड में घुमाकर और इस तरह से ये वाला स्क्रू खोलेंगे। और ये स्क्रू खोलने के बाद में दोस्तों एक स्क्रू लगा होता है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड को हमने स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया और यहाँ पर भी एक स्क्रू लगा होता है, ये स्क्रू भी खोलना होता है। और ये स्क्रू खोलने के बाद में दोस्तों स्टीयरिंग व्हील को वापस से सीधा कर लेंगे इस तरह से। और उसके बाद में दोस्तों स्टीयरिंग व्हील को हमें बाहर की तरफ उठाना है। तो यहाँ पर एक लॉक बटन दिया होता है, इसको इस तरह से उठाकर व्हील को और लॉक बटन को वापस से दबा देना है। और उसके बाद में ये ऊपर का जो कवर है तो ये हमने कवर बाहर निकाल दिया है। और उसके बाद में दोस्तों इसका एयर बैग निकालने के लिए स्टीयरिंग व्हील को हमने राइट साइड को अभी घुमा दिया है। और राइट साइड को घुमाने के बाद में यहाँ पर नीचे वाला जो होल दिख रहा है, इस होल के अंदर एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से एयर बैग का जो तार होता है उसको दबाएंगे तो इस तरह से एयर बैग बाहर आ जाता है। एक साइड का बाहर आ गया और अभी दूसरे साइड का भी इसी तरह से लॉक को दबाना होगा, लॉक को प्रेस करना होगा। तो स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट साइड को हमने घुमा दिया है, उसके बाद में स्क्रू ड्राइवर इस तरह से लगाकर और इसे प्रेस करेंगे। अंदर एक तार होता है एयर बैग में, वो तार जैसे ही दब जाता है, लॉक दब जाता है, तो इस तरह से एयर बैग इसका बाहर आ जाता है। और अभी एयर बैग जो है हमारा पूरी तरह से आप देख सकते हैं बाहर आ गया है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हॉर्न का क्लिप लगा होता है और एयर बैग का एक सॉकेट लगा होता है कपलर, उसका ये पीला वाला लॉक ऊपर की तरफ उठाकर और ये सॉकेट को इस तरह से कपलर को बाहर निकाल देंगे और हॉर्न क्लिप को निकालेंगे। और ये हॉर्न क्लिप निकालने के बाद में एयर बैग पूरी तरह से बाहर आ गया है। और दोस्तों निकालने के लिए यहाँ पर एयर बैग में ये जो तार है, तार वाला जो लॉक है, इनको प्रेस करना होता है एक एक करके दोनों साइड से। तो इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो लॉक को छोड़ देता है और एयर बैग अपने आप आसानी से बाहर आ जाता है। तो ये जो तार है, तार वाला हिस्सा दबाना होता है अंदर की साइड में। और उसके बाद में दोस्तों एक चीज़ आपको और बता दूं, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे स्क्रैचेस, बहुत ज़्यादा निशान बने हुए हैं और ये जो फोम के जो टुकड़े हैं छोटे छोटे निकल रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी मेरे पास में दूसरे गैरेज से आई है। वहाँ पर क्या हुआ था, इलेक्ट्रीशियन ने स्टीयरिंग व्हील सीधा करने के लिए इसको एयर बैग को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन उसको शायद जानकारी नहीं थी कि एयरबैग कैसे निकलता है। और यहाँ पर ये वाले होल में स्क्रू ड्राइवर पेचकस डालकर और इसको पूरा डैमेज कर दिया है। ये देखें, आपको दिखाता हूँ, अभी ये हिस्सा भी तोड़ दिया है और वापस से ऐसे ही चिपका दिया है और उसको एयरबैग नहीं खोल पाया वो, और अंदर से इतना सारा नुकसान भी कर दिया व्हील के अंदर। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे जो फोम के जो टुकड़े दिख रहे हैं रबड़ के, तो स्क्रू ड्राइवर यहाँ पर इस तरह से उसने लगाया होगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से स्क्रू ड्राइवर इस तरह से लगाकर और एयरबैग खोलने की कोशिश की है, लेकिन उसको पता नहीं था कि लॉक दूसरी साइड से दबाना होता है, दूसरी साइड से पेचकस डालकर तब ये एयरबैग निकल पाता है। और उसने इस साइड से इस तरह से पेचकस को चलाता रहा जिससे ये स्टीयरिंग व्हील अंदर से डैमेज हो गया है। खैर कोई बात नहीं, अभी स्टीयरिंग व्हील हम आपको निकाल कर और इसका स्टीयरिंग व्हील सीधे कर आपको दिखाएंगे। बाकी अगर आपको एयरबैग खोलना नहीं आता है तो उसको ना खोलें, किसी और दूसरे मैकेनिक के पास या इलेक्ट्रीशियन के पास भेज दें। और अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता आप ये वीडियो देखेंगे, और भी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर लोगों ने डाल रखी हैं, वहाँ पर वीडियो देखकर आप खोल सकते हैं आसानी से। तो ये नट को लूज़ करने के बाद में नट को हमने निकाल लिया बाहर और उसके बाद में व्हील को इस तरह से उठाकर और क्लॉक स्प्रिंग को साथ में हम थोड़ा सा घुमा लेंगे व्हील के साथ में ही। हमने जो इसके अंदर क्लॉक स्प्रिंग जो लगा है, तो क्लॉक स्प्रिंग को हमने थोड़ा सा ऊपर की तरफ घुमा दिया स्टीयरिंग व्हील के साथ में ही, और जहाँ पर बिल्कुल स्टीयरिंग व्हील सीधा है उस पोजीशन में हमने इसको लगा दिया स्टीयरिंग व्हील को। तो बस इतना सा काम था और खोलने का तरीका मैंने आपको पूरा दिखाई दिया और आपको समझ में भी आया होगा। और उसके बाद में दोस्तों इसको हमें नट को वापस से लगा कर और उसको टाइट कर देना है।
एयरबैग ये रखा हुआ है दोस्तों। तो एयरबैग जो है उसका लॉक हटाने के लिए जो तार वाला लॉक है उसको पता नहीं था कि कौन सा दबाना है, वो इस वाले तार को, इस वाले लॉक को दबा रहा था और पेचकस के बहुत सारे निशान उसने बना दिए हैं। जबकि इस वाले तार वाले लॉक को दबाना होता है, इस वाले को, तभी एयरबैग बाहर आता है। और उसने यहाँ पर पेचकस से बराबर जोर करता रहा और यहाँ पर बहुत सारे स्क्रैचेस, बहुत सारे निशान बना दिए हैं। और उसी हिसाब से उसने ये साइड में भी किया है, ये साइड में भी उसने आप देख सकते हैं पेचकस के निशान बना दिए हैं। दबाना ये वाला लॉक था लेकिन यहाँ पर दबा रहा था। और अभी दोस्तों स्टीयरिंग व्हील सीधा करके हमने लगा दिया है और उसके बाद में दोस्तों एयरबैग लगाना है। तो सबसे पहले जो एयरबैग का जो कपलर है, जो सॉकेट है, उसको यहाँ पर लगाकर ठीक तरीके से, और उसके बाद में जो पीला वाला जो लॉक है इसको प्रेस कर देंगे, इसको दबा देंगे। तो ये एयरबैग का सॉकेट लग गया। उसके बाद में जो हॉर्न क्लिप है इसको इस तरह से लगाना होता है। दोनों कनेक्शन लगा दिए। उसके बाद में ये जो कैप है, एयरबैग है, ये हम लगा देंगे व्हील में। तो इसको इस तरह से ठीक तरीके से सेंटर में रख के और इसको आप तीनों तरफ दबा देंगे तो ये ठीक से बैठ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ दोस्तों घंटी वाला जो बटन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।